शिमला में संजोली मस्जिद पर संग्राम। अवैध मस्जिद गिराने की मांग पर अड़े लोग। शिमला में हो रहा जबरदस्त प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संजोली मस्जिद को लेकर चला आ रहा विवाद अब और ज्यादा बढ़ गया है। मस्जिद को अवैध बताते हुए इसे गिराने की लगातार मांग की जा रही है, तो इसी बीच हिंदू संगठनों ने मस्जिद को गिराने की मांग दोहराते हुए अब मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को हालात काफी और खराब हो गए। दरअसल हिंदू संगठनों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन बुलाया और प्रदर्शनकारियों ने इकट्ठा होकर ढली टनल पर लगी बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। पुलिस उन्हें रोकने की तमाम कोशिश करती रही, लेकिन पुलिसकर्मियों के पसीने छूट गए। प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारी मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस उन्हें कंट्रोल करने में कुछ हद तक कामयाब भी हुई थी और किसी तरह प्रदर्शनकारियों को मौके से खदेड़ा भी गया। लेकिन कुछ ही दूरी पर उनका प्रदर्शन और तेज हो गया। दरअसल पुलिस ने बैरिकेडिंग कर टनल में चेकिंग के बाद केवल आम लोगों को पैदल आने के लिए अनुमति दी थी। संजोली की ढली टनल को पूरी तरह बंद कर दिया गया था ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी अंदर ना जा सके। वहीं टनल के पास पेट्रोल पंप के सामने प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए और उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया, लेकिन अचानक से प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और उन्होंने टनल से बैरिकेडिंग को हटा दिया और टनल को पार कर दिया। वहीं मामले में आपको बता दें 5 अक्टूबर को इसकी तारीख मिली है। संजोली में शांति व्यवस्था के मद्देनजर पूरे इलाके में सुबह से ही धारा 163 लागू कर दी गई थी, जिसके बाद 5 या उससे ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुई। ऐसे में प्रदर्शनकारी हिमाचल सरकार से भड़के हुए हैं और क्या कुछ कहना है प्रदर्शनकारियों का, पहले आप वो सुनिए। अवैध निर्माण हुआ है, इसके विषय में आप लोगों के माध्यम से हमने पहले भी देखा कि हिमाचल सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी ने जो बयान दिया कि अवैध है, इसको गिराया जाना चाहिए नहीं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि गिरेगी। लेकिन आज जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने हिंदू समाज के साथ खिलवाड़ करते हुए महिलाओं पे लाठीचार्ज और हिंदू समाज पे लाठीचार्ज किया, ये बहुत ही शर्मनाक है। संजोली इलाके में मस्जिद के कथित अवैध निर्माण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि स्थिति बिल्कुल साफ है, सभी को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार है और सरकार ने ये भी कहा है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए जिससे वहाँ की शांतिपूर्ण स्थिति प्रभावित हो, इसलिए पुलिस ने एहतियाती कदम उठाए हैं। सुनिए विक्रमादित्य सिंह का बयान। राइटफुल तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से सभी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है और सरकार ने भी ये चीज कहा है कि आप वहां पे प्रोटेस्ट करिए, मगर कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए जिससे हमारे शांतिपूर्ण माहौल में कोई वहां पर जो है खराबी आए या उसमें कोई इफेक्ट पड़े, उसके लिए वहां पे प्रिवेंटिव मेजर्स पुलिस द्वारा लिए गए हैं और वहां पे धारा 163 वहां पे लगाई गई है, पुलिस की छावनी में उस एरिया को तब्दील किया गया है ताकि कोई भी ऐसी परिस्थिति ना बने जिससे कल को प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठे। जबकि प्रदेश सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह जो हैं, उनकी माने तो हिमाचल प्रदेश में सभी काम कानून के दायरे में रहकर ही होंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये मामला किसी एक खास भवन से जुड़ा नहीं है, पूरे प्रदेश में अवैध निर्माण पर सख्ती से कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि संजोली मस्जिद का मामला संवेदनशील है, मामला भी नगर निगम अदालत में चल रहा है, दोनों पक्षों में जवाब दिए हैं, मामले पर जल्द फैसला भी आ जाएगा। लेकिन बुधवार को हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन अचानक से उग्र हो गया, इसकी वजह थी पुलिस का लाठीचार्ज करना। प्रदर्शनकारियों का साफ साफ कहना है, हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज किया, इसकी वजह से प्रदर्शन उग्र हो गया। फिलहाल देखना होगा कि इस मस्जिद विवाद पर हिमाचल में शांति कब बहाल होती है, क्योंकि शिमला का यह विवाद
पूरे हिमाचल में धीरे धीरे भड़क रहा है और एक ही बात पर हिंदू संगठन अड़े हुए हैं, इस अवैध मस्जिद को गिराया जाए। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।